हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपेडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे साइकोलॉजी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन टिप्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस और रिकमेंडेड बुक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आप सक्सेस प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आपको नेट सब्जेक्ट का जो न्यू सिलेबस है उसे डाउनलोड करना है साइकोलॉजी का। उसके बाद आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना है, पूरे सिलेबस की अच्छे से स्टडी करनी है। जब आप उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेसेस है, मतलब कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और कौन से पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि कौन से आपके जो कौन से पॉइंट्स या कौन सा सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी पे फोकस करना है। स्ट्रेंथ को अगर आप अच्छे से और ज्यादा मेंटेन करके चलेंगे तो वो सेक्शन तो आपसे गलत होगा ही नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे मेन रूप से फोकस करना है। लेकिन जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो आपका वीकर सेक्शन है उससे आपको स्मार्टली हैंडल करना है, मतलब आपको उसको डेली कुछ टाइम देना है और उसको क्लियर करने की कोशिश करना है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल क्लियर ही नहीं कर पा रहे, बहुत बार आपने कोशिश कर ली फिर भी आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना है कि उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेट या जेआरएफ में 100% स्कोर नहीं करना है। नेट का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का 60% के आसपास जाता है और जेआरएफ का 65% के आसपास जाता है, तो आपके पास फिर भी 35% स्किप करने का ऑप्शन है। तो आपको जो बिल्कुल भी नहीं, आप टाइम अपना बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, तो आप उस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और अच्छा जो है कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, स्पेशली 2018 ऑनवर्ड्स, क्योंकि एनटीए जब से साइकोलॉजी ये करा रहा है एग्जाम तब से पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपको 2018 के बाद का जब से एनटीए करा रहा है तब से आपको पेपर प्रीवियस ईयर के जरूर सॉल्व करने हैं। इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा और साथ में आप अपने सिलेबस में ये देख पाएंगे कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अपने और अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे। और क्या मेन जो एस्पेक्ट है वो है वीकली रिवीजन। रिवीजन बहुत ही मस्ट है, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे और आप लास्ट में बिल्कुल उसको एग्जाम के पहले अगर आप उस सेक्शन को देखेंगे तो आप उसको बिल्कुल भूल चुके होंगे। तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन आप कवर कर रहे हैं, उसका वीकली रिवीजन करना है। अगर आप वीकली नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 और 4 डेज में भी रिवीजन कर सकते हैं, बट आपको रिवीजन जरूर करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपके एग्जाम के 10 डेज बचे हों तब आपको पूरे जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। आपको जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको नोट्स जरूर बनाना है। अगर आप 10 पेजेस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसे कंसाइज करके उसको 5 से 6 पेजेस में कर दीजिए, और उसके बाद आप उसको जब उसको पढ़ेंगे तो आप उसको हाईलाइट भी कर दीजिए, तो आप उसको और ज्यादा कंसाइज कर लेंगे। अगर आप इस वे में प्रिपरेशन करेंगे तो आप जरूर ही नेट क्लियर कर पाएंगे। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस की, साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट में इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम पढ़ना है, जिसमें भागवत गीता है, बुद्धिज्म है, सूफिज्म है, इंटीग्रल योगा है, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया पढ़ना है, इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, 1970s में क्या हुआ, 1980s में क्या हुआ, 1990s में, 2000s में क्या हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं वो भी इसमें पढ़ना है, इस सेक्शन में।
वेस्टर्न जो चीजें हैं वो भी पढ़नी है, जैसे ग्रीक हेरिटेज है, मिडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ट्रांसपर्सनल, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, मल्टीकल्चरलिज्म, ये भी आपको पढ़ना है। फोर पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी है, वुंड का, फ्रायड का और जेम्स का, डेल्थी का, ये भी आपको पढ़ना है और कुछ इशूज पढ़ने हैं इसमें। और नॉलेज पैराडाइम को कवर करना है इसमें, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ये भी आपको कवर करना है। पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी जैसे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, एक्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजी एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी, इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है इसमें। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी आपको पढ़ना है। तो इसमें इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसके बारे में बहुत ज्यादा से रिलेटेड मैटर तो अभी है नहीं, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि ये नया ऐड हुआ है सिलेबस में। तो कुछ बुक्स हैं जिसमें कि कुछ कुछ मैटर आपको मिल जाएगा, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की बुक है गिरीश्वर मिश्रा की, सुनीत मिश्रा की, पियर्सन पब्लिकेशन की, इसमें कुछ मैटर मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन साइकोलॉजी की बुक है स्प्रिंगर की, इसमें कुछ मैटर है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बुक है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें भी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, कुछ इस तरीके की चीजें, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो ये कुछ बुक्स हैं जिसमें कि कुछ मैटर मिल जाएगा और कुछ पीडीएफ भी हैं इससे रिलेटेड। जब मैं ये सेक्शन कवर करूंगी तो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी इसको, तो आपको इस तरीके की चीजें इस सेक्शन में पढ़नी है। यूनिट टू है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये ओल्ड सिलेबस में भी थी और इसमें भी है। तो रिसर्च का जो पोर्शन है वो तो पेपर वन भी कवर करता है, तो इसमें भी कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं उसकी और इसमें। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, रिसर्च का जो बेसिक रिसर्च है, मीनिंग, पर्पस, डायमेंशंस, एथिक्स पढ़नी है, पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड अप्रोच पढ़नी है, मेथड जो है रिसर्च के, जैसे ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है, क्वेश्चनार, सर्वे में इंटरव्यू क्वेश्चनार है, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इस तरीके के कुछ मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जो साइकोलॉजी में है पोर्शन है वो आपको पढ़ना है, इसमें पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, इस तरीके के कुछ टेस्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं और ये तो कहीं जाना ही नहीं है इसका, तो ज़्यादा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। और इसमें फिर कोरिलेशनल एनालिसिस है, स्पेशल कोरिलेशन मेथड्स हैं, कुछ रिग्रेशन है, फैक्टर एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। इसकी जो खास बात इस यूनिट की है कि ये कॉम्प्रिहेंशन में बहुत पूछा जाता है, रिसर्च और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ये दोनों यूनिट है, तो इसको तो बहुत अच्छे से क्लियर करना है इसमें, तो बिल्कुल भी आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज। तो इसमें आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो जैसे कि ये ह्यू कोलिकन की बुक है रिसर्च मेथड की, इम्पोर्टेंट है। न्यूमैन की जो सोशल रिसर्च की बुक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है। के डी ब्रूटा की है, इसमें बहुत सारे चीजें कवर कर लेगा ये, तो इसको भी जरूर पढ़िए के डी ब्रूटा को। और ए के सिंह जो रिसर्च एंड स्टेट्स की बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इन बुक्स को क्लियर पढ़ सकते हैं। साथ में जब इस पे क्लासेस होंगी तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी। यूनिट थ्री की इसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, यूनिट थ्री में जिसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ना है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नॉर्म्स, एरियाज ऑफ टेस्टिंग, एटीट्यूड स्केल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग्स, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें। आइटम एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी है, इससे कॉम्प्रिहेंशन या इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये जो एरियाज ऑफ टेस्टिंग है इसमें इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये कुछ जो टेस्ट हैं इसके जो टेस्ट अवेलेबल हैं, और जो मॉडर्न टेस्ट हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की पियर्सन पब्लिकेशन की ग्रेगरी की इंपॉर्टेंट बुक है, ये रॉबर्ट एम कैपलान की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और ये है कोहिन की बुक है, ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यूनिट फोर की जिसमें है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें आपको पढ़ना है सेंसरी सिस्टम, ये भी ओल्ड सिलेबस का ही पार्ट है, न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसमें इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव मेथड,
मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको कवर करने हैं। आप जिन लोगों ने पहले से एग्जाम दिया है, ओल्ड सिलेबस जब था तो ये आपको पता होगा कि ये सारी चीजें पहले भी थी। इसको कंसाइज कर दिया गया है और बहुत क्लियर कर दिया गया है कि आपको यही यही चीजें पढ़नी है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस सिलेबस की। इसको कवर करने के लिए आपको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बुक भी प्रेफर करनी पड़ेगी और बायो साइकोलॉजी, ये दोनों बुक इस पूरे मैटर को कवर करती है, तो ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब से एनटीए करा रहा है तब से इसका कुछ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, लेकिन पहले तो ये बहुत ही पूछा जाता था। लेकिन कब कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है, तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की, अटेंशन परसेप्शन लर्निंग मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये पूरा ही पहले भी था, जनरल साइकोलॉजी का पार्ट है, ये सब लगभग एक जगह इसको कवर कर दिया गया है। जैसे अटेंशन है, परसेप्शन है, इसमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है, लर्निंग प्रोसेस है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। बहुत ज्यादा पोर्शन ये कवर करता था पहले के एग्जाम्स में, कुछ इसमें कमी आई, लेकिन अभी भी ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे भी आप स्किप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सिसरेली की बहुत अच्छी बुक है, इसको आप जरूर प्रेफर करें, एटकिंसन एंड हिलगार्ड की बुक है, और अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें 11th और 12th की, तो इसको अगर आप इतना करते हैं तो इतना आपको मतलब सफिशियंट होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम यूनिट 6 की, जो कि थिंकिंग इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे जो थॉट प्रोसेस के हैं, जिसमें एसोसिएशनिज्म है, गेस्टाल्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, फीचर्ड इंटीग्रेशन मॉडल है, ये कुछ आपको पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, लैंग्वेज एंड थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेटाकॉग्निशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जब से एनटीए करा रहा है बहुत पूछा जा रहा है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, तो आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये बहुत ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसे भी आप साइकोलॉजी सिसरेली की बुक, एटकिंसन की बुक और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। हम बात करेंगे यूनिट 7 की, यूनिट 7 में पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग है, तो इसके लिए आपको पर्सनालिटी पढ़ना है। पर्सनालिटी में थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको पढ़ना है, और मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरीज पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर और थियोरेटिकली से रिलेटेड है जो आपको पढ़ना है। इमोशन के बारे में आपको पढ़ना है, थ्योरीज इसकी इमोशन की, कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस एंड कोपिंग, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके लिए भी आप पर्सनालिटी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और हॉल एंड लिंडे की पर्सनालिटी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, तो ये कुछ चीजें कवर करेगा। इमोशन के लिए आप जनरल साइकोलॉजी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, इमोशन मोटिवेशन के लिए ये उसमें कवर्ड है। बात करेंगे यूनिट 8 की, जो कि सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं सोशल साइकोलॉजी में, सोशल परसेप्शन, ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, एग्रेशन, थ्योरीज ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशंस, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका भी पोर्शन जब से एनटीए करा रहा है तब से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, तो इसे भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत ज्यादा इसका जो मैटर बैरन की बुक में बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप बैरन की बुक जरूर प्रेफर करें, और हॉक की बुक पियर्सन की है, और अप्लाइड साइकोलॉजी की सेज की बुक है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 9, ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है। इसमें आपको डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़नी है, थ्योरीज पढ़नी है, एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं डेवलपमेंट के, और फिर साइकोपैथोलॉजी पढ़नी है, साइकोथेरेपीज पढ़नी है, कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें इसमें कवर कर दी गई हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके लिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट हरलॉक की बुक पढ़ सकते हैं, और डेवलपमेंट थ्रू लाइफ न्यूमैन की बुक पढ़ सकते हैं, आप नॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी के लिए बुचर की बुक पढ़ सकते हैं, काउंसलिंग के लिए, साइकोथेरेपी के लिए आप केराल्ड कोरे की बुक बहुत अच्छी बुक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, कुछ ये मैटर एजुकेशनल साइकोलॉजी का कवर करने के लिए।
करेंगे यूनिट 10 की। यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज से रिलेटेड है, ये भी न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ओल्ड सिलेबस में ये नहीं था। तो एनटीए जब से करा रहा है, ये आपको ये जानना चाह रहे हैं कि हमें वही लोग मिले जो कि प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को समझते हो, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों पे वो जोर नहीं दे रहा है बल्कि प्रैक्टिकलिटी पे जोर दे रहा है। तो इसके लिए ये इमर्जिंग एरियाज इन्होंने ऐड किया है। तो इसमें कुछ जेंडर पावर्टी, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन से इश्यूज, जो इससे रिलेटेड चीजें इसमें ऐड की हैं, पीस साइकोलॉजी, ये सारे मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जो कि इसमें ऐड हुए हैं। जैसे पीस साइकोलॉजी है, इसमें वायलेंस, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें ऐड हुई हैं। वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ और हेल्थ साइकोलॉजी की कुछ चीजें ऐड की हैं, और साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस। तो ये सारी चीजें जो है मॉडर्न से रिलेट करती हैं करंट सिनेरियो से। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इसके लिए भी कुछ अप्लाइड साइकोलॉजी की बुक में मैटर मिल जाएगा, कुछ पॉजिटिव साइकोलॉजी में है, पीस साइकोलॉजी में है, हेल्थ साइकोलॉजी में कुछ मैटर कवर हो सकता है, और साइबर साइकोलॉजी की एक बुक है जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी वाला मैटर साइकोलॉजी का कवर हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि आपको प्रिपरेशन टिप्स बताई गई और कुछ आपको सिलेबस को शेयर किया गया। तो इससे रिलेटेड हम क्लासेस शुरू करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम जो बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड यूनिट 3 जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।